मैं जो जन समूह देख रहा हूं, आपका ये उत्साह दिखाता है आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं अमरोहा और गजरौला के। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर रूट पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। हमारे अमरोहा में यहीं पास में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, और पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस सपा बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी जन अमरोहा में मिले हैं। अब आप जरा यूरिया की बात सुन लीजिए। ये जो यूरिया है ना, हर किसान को जरूरत पड़ती है। ये यूरिया की जो बोरी है वो एक बोरी अमेरिका में 3000 रुपये में मिलती है। कितने में मिलती है? कितने में मिलती है अमेरिका में? कितने में मिलती है? 3000 रुपया। और भारत में
हमारे यहां हम किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में वही यूरिया की बोरी देते हैं। और जिन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीदी के साथ रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें? अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं, लेकिन ये लोग निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी, और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु राम लला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं,